छुट्टी होना तय माना जा रहा है। ये कुछ वो नाम है, अलग अलग खेमे के ये नाम है और इनकी छुट्टी होना। सिंधिया गुट से इमरती देवी, प्रभुराम चौधरी बाहर हो सकते हैं। दिग्विजय खेमे से सुरेंद्र सिंह बघेल, प्रियव्रत सिंह के नाम इसमें शामिल बताया जा रहा है। कमलनाथ खेमे से ओमकार सिंह मरकाम का नाम शामिल बताया जा रहा है। तो ये कुछ नाम ऐसे हैं जिनको कैबिनेट से हटाया जा सकता है। चलिए, विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, ये तो तय था कि अब लोकसभा चुनाव के बाद कैबिनेट में फेरबदल देखने को मिलेगा, क्योंकि वो सीनियर लीडर्स जो नाराज चल रहे थे या फिर दूसरे दल के नेता जो कांग्रेस के साथ सरकार बनाए हुए हैं वो नाराज चल रहे थे, तो ये रीशफल होगा, ये तो तय माना जा रहा था। अब क्या उम्मीद की जाए, कौन से ऐसे इन छह चेहरों को हटाकर कौन से चेहरे नए शामिल किए जा सकते हैं और कौन से वो चेहरे हो सकते हैं जिन पर गाज गिरेगी? हाँ बिल्कुल स्नेहा, देखिए इसमें साफ तौर पे कमलनाथ ने एक फार्मूला दिया है और फार्मूला दो चीज बातों पर आधारित है। पहली बात यह है कि तमाम बड़े दिग्गज जिनके कहने पे मंत्रिमंडल में जो है नाम शामिल हुए थे, वही अपने नॉन परफॉर्मिंग दो दो मंत्रियों को बाहर करें, उन्होंने उसमें खुद को भी शामिल रखा है और खेमे के हिसाब से जो है दो दो नाम सामने आए हैं। हालांकि जैसे सिंधिया गुट से तीन नॉन परफॉर्मिंग मंत्री हैं जिनके नाम सामने आए हैं, लेकिन साफ तौर पर दो नामों को जो है कहीं ना कहीं इसमें से आप देख सकते हैं कि शॉर्टलिस्ट करके या फिर उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। उनमें महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी हैं और दूसरे शिक्षा मंत्री प्रभुराम चौधरी हैं, क्योंकि ये बड़े मंत्रालय थे और यहाँ परफॉर्मेंस की बहुत गुंजाइश थी, लेकिन उम्मीदों पर ये खरे उतरते नज़र नहीं आए हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं दिग्विजय सिंह खेमे की, तो यहाँ से बड़े नाम है प्रियव्रत सिंह और सुरेंद्र सिंह बघेल। प्रियव्रत सिंह चूंकि ऊर्जा मंत्री रहे हैं और बिजली को लेकर जितना हंगामा हुआ है और सरकार जितनी घिरी है वो किसी और मामले में नहीं घिरी, और बाद में ये हुआ कि तीन अन्य विभाग के मंत्रियों को इस पूरी फील्डिंग में सामने आना पड़ा और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को लगातार बैठकें लेनी पड़ी। दूसरे मंत्री हैं सुरेंद्र सिंह बघेल और उनका सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके साथ में दो बड़ी शिकायतें हुई जिस प्रभार के